एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। सो आज मैं आपको बना के दिखाने जा रही हूँ लहसुनी पालक कॉर्न पालक पनीर, जो मैं किस तरह से बना रही हूँ। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर देखें। सो चलिए फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैंने यहाँ पे पालक को थोड़े से डंठल सहित ही मैंने लिया है, डंठल के साथ ही लिया है मैंने, ज़्यादा उसको नहीं निकाला है डंठल इसके। तो अभी मैंने इसको क्या किया था, पहले 2 मिनट के लिए बस बॉईल कर लिया था, सिर्फ 2 मिनट के लिए, विदाउट कोई सॉल्ट, मैंने नमक नहीं डाला था इसमें। और इसको बिल्कुल भी चिल्ड वाटर में, आइस क्यूब्स के साथ चिल्ड वाटर में मैंने इसको ठंडे पानी में रख दिया था इसे, तो जिससे कि इसकी कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगी। अब इसको मैं, इस पालक को आप देख सकते हैं, पालक की कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, क्योंकि इसका रीज़न है कि हमने ठंडे पानी में इसको डाल के रखा था। तो अब मैं इसको बिल्कुल भी स्ट्रेन करके इसका एक प्योरी बना लूँगी। प्योरी जो बनाऊँगी ये बिल्कुल भी प्योरी जो होगी स्मूथ नहीं होगी, थोड़ी सी क्रस्ट में रखूँगी प्योरी को, दर दरा मतलब इसका प्योरी बनाऊँगी। तो अभी मैं इसकी पेस्ट बना लेती हूँ। अब आप देख सकते हैं ये मैंने जो ये प्योरी बनाया है ये बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, ये थोड़े थोड़े मतलब इस तरह से बनी हुई है। तो इस तरह से बनने से आपको पता भी चलेगा कि ये पालक का बना हुआ है, तो इसको बिल्कुल भी स्मूथ ना बनाएं। और अभी जो मैंने प्योरी बनाया था, एक चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी नमक पहले से या मत मतलब ऐड करिएगा। जब भी आप बॉईल करें तभी भी नमक मत ऐड करिए, जब भी आप प्योरी बनाएं तभी भी मत ऐड करें, जब आप कुक करते समय तब भी आप अपने अकॉर्डिंग टू जितनी भी सॉल्ट डाली है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं बनाना। मैंने यहाँ पर कढ़ाई पहले से बिठा रखा था, अभी ये बिल्कुल भी गर्म हो चुका है। मैंने यहाँ पर डालना है 1 बड़ा चम्मच ऑयल। इस ऑयल को मैं अभी फ्लेम को हाई कर लेती हूँ। अब मैं डालूंगी इसमें जीरा, मैंने 1 टीस्पून के करीब मैंने जीरा डाला हुआ है। जीरा मेरी अभी ककल हो चुकी है जीरा। अब मैं 1 बड़ा साइज का प्याज भी इसमें ले रही हूँ। प्याज को मुझे ट्रांसपेरेंट होने तक भूनना है, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है मुझे प्याज को, थोड़ी ट्रांसपेरेंट होने तक भूनना है। अभी मैंने फ्लेम को मीडियम रखा है। अब मैं इस पैन में थोड़ी से ऑयल गरम कर रही हूँ, ये लगभग 1 चम्मच के करीब ऑयल है। ये मैं पनीर फ्राई करने के लिए ऑयल गरम किया हुआ है। पनीर को मैं थोड़े से फ्राई इसमें यूज करूँगी, आप चाहे तो कच्चा पनीर भी आप यूज कर सकते हैं, बट मैं इसको फ्राई करूँगी, एकदम नॉर्मल फ्राई करूँगी। तो इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल रही हूँ इस पनीर में। अब पनीर में मैं थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ी सी नमक डाल रही हूँ। अब मैं ये मसाले मैंने जो ऐड किए हैं बिल्कुल हल्के हल्के ऐड किए हैं। अब इसको इसी तरह से मुझे, पनीर के क्यूब्स मैंने इसी साइज़ के लिए हैं, आप चाहे तो बड़े साइज़ के भी ले सकते हैं पनीर, या तो और भी छोटे कर सकते हैं, बट मैंने इसी साइज़ के लिए हैं। तो अभी तेल मेरा गर्म है, हल्का कलर करना है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है पनीर को, फुल फ्लेम में ही मुझे इसको फ्राई कर लेनी है। देख सकते हैं मेरी पनीर ऑलरेडी इतना ही फ्राई किया है मैंने। आप अगर चाहे तो हल्दी पाउडर इसमें ना डालना चाहें तो हल्दी पाउडर भी आप स्किप कर सकते हैं। आपको बिल्कुल व्हाइटिस पनीर चाहिए तो आप बिल्कुल हल्दी पाउडर स्किप कर सकते हैं, लाल मिर्च का भी स्किप कर सकते हैं। आप सिंपली सॉल्ट डाल के ही इसको आप कर ले। सॉल्ट इसलिए डालना है कि पनीर सॉफ्ट भी रहेंगे, साथ में साथ आपको पनीर भी बिल्कुल अंदर से ही बिल्कुल अच्छे से पक भी जाएंगे। तो मेरे पनीर ये मैंने फ्राई कर लिया है। अब मेरे प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं और अभी मैं 1 चम्मच के करीब में जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो मैंने डाला है सिर्फ 1 चम्मच के करीब। अब उसको अच्छे से मैं भून लेती हूँ। और जब ये जो पेस्ट मैंने बनाया था जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का, तो ग्रीन चिली का, तो उसका जो प्रोपोर्शन है, तो मैंने उसमें जो गार्लिक है जो लहसुन है उसका क्वांटिटी ज़्यादा रखा था। अदरक मैंने 1/2 इंच के करीब यूज किया था और 2 हरी मिर्च मैंने यूज की थी।
और अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप हरी मिर्च का क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, बट लहसुन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालें। मैंने लगभग छोटे लहसुन के करीब 10-12 के करीब मैंने छोटे लहसुन यूज किया था, क्योंकि मैं ये लहसुन ही पालक बना रही हूँ इसलिए मैंने लहसुन का ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। अब इसको थोड़ी देर तक फ्राई कर लेती हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक मीडियम साइज़ का टमाटर, इसको मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है। अब इसको भी थोड़ी देर में भून लूँगी। अब इस टाइम पे मैं थोड़ी सी नमक डालूँगी इसमें, थोड़ी सी नमक डालूँगी मैं। नमक अपने अपने अकॉर्डिंग ही आप डालें। मैंने यहाँ पे नमक 1 बड़ा चम्मच यूज किया है, क्योंकि मैंने पालक में कोई भी नमक यूज नहीं किया था। टमाटर मेरे थोड़े से सॉफ्ट होने के बाद मैं इसमें 1/2 कप करीब कॉर्न डाल रही हूँ। मैं ये स्वीट कॉर्न का यूज़ कर रही हूँ और इसको मैंने कोई बॉयल नहीं किया था, क्योंकि ऐसे ही मतलब जब हम फ्राई करेंगे तो ये पक भी जाते हैं बहुत जल्दी ही। इसको थोड़ी सी मैंने हाथ की आंच में भी भूनना है। अब मैं इसमें हल्का सा पानी ऐड करूंगी। मैंने इस कप से 1/3 कप ही पानी यूज किया है, ताकि ये थोड़ा सा जो कॉर्न से वो भी पक जाए और टमाटर वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो मैं अभी इसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर पका लूँगी और फ्लेम को मैं मीडियम में रखती हूँ अभी। अब लगभग मेरे पानी भी सूख चुके हैं, मसाला भी फ्राई हो चुका है, कॉर्न भी मेरे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर, और एक जो सीक्रेट में डाल रही हूँ वो है मेरा मीट मसाला। इसमें 1/2 टीस्पून के करीब मैं मीट मसाला डाल रही हूँ, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप एक बार ट्राई करके देखिए, मीट मसाला डालने के बाद ही आपके पालक पनीर में बहुत अच्छी अच्छी स्मेल आती है। अब इसी टाइम पे मैं इसमें डाल दूँगी ये प्योरे, मुझे फ्लेम को बिल्कुल भी लो करना है, लो फ्लेम में इसे कुक करना है। वैसे तो पालक को मैंने पहले से बॉईल कर रखा है, तो अभी इसको थोड़ी देर ही बस कुक करना है। अब मैं इसके ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम में अभी थोड़ी देर के लिए इसे कुक होने देती हूँ। तब तक मैं तड़का रेडी कर लेती हूँ। इसके जो तड़का लहसुनी वाला तड़का जो यूज़ करूँगी तो उसको रेडी कर लेती हूँ मैं अभी। चेक कर लेते हैं, पूरा पानी मुझे नहीं सुखाना है, मुझे इतना ही ग्रेवी रखना है इसको। अब मैं फ्लेम को बिल्कुल भी मीडियम में रख लेती हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी चाट मसाला पाउडर, जो आपको चटपटी टेस्ट भी दे इसका, क्योंकि मैंने टमाटर बहुत कम यूज़ किए हैं। टमाटर अगर आप कम यूज़ करेंगे तभी आपकी डिश बिल्कुल ग्रीनी बनेगी, जो पालक पनीर है वो बिल्कुल ग्रीन बनेगी, अदरवाइज़ टमाटर से उसका कलर भी चेंज हो सकता है। तो अब मैं डाल रही हूँ उसमें जो पनीर मैंने फ्राई किए होते, उस पनीर को भी मैं इसमें डाल देती हूँ। फ्लेम को हाई कर लिया मैंने अभी। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूंगी, ताकि ये थोड़ा सा बॉईल होगा अभी जब तक मैं तड़का रेडी करूं इसका। बस 2 चम्मच के करीब मैंने पानी दिया हुआ है। अब इसको मैं ऐसे ही ढक के थोड़ा सा थोड़ी देर मीडियम कर लेती हूं आंच को और उसको पकने देती हूं। अब मैं तड़का रेडी कर रही हूं। तड़के के लिए मैंने उसी पैन में 1 बड़ा चम्मच के करीब घी लिया है। घी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप चाहे तो बटर का भी यूज़ कर सकते हैं।
मैंने एक बड़ा चम्मच घी लिया है। अब मैं इसको गर्म होने देती हूँ थोड़ी देर के लिए। अब इसमें मुझे थोड़ा सा जीरा डालना है और छोटी चम्मच के करीब जीरा डालना है मुझे। और इसमें ये क्रश किए हुए लहसुन है, इसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ये मैंने करीबन बड़े लहसुन ये मैंने 8-10 के करीब लिया था, क्योंकि लहसुन ही पालक है तो लहसुन इसमें ज़्यादा जाएगा, इसलिए अभी फ्लेम को कम कर लेती हूँ। और लहसुन को धीमी आँच में ही मैं इसको फ्राई करूँगी, और ज़्यादा इसको नहीं ब्राउन करना है, लहसुन को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। मुझे बिल्कुल भी लहसुन की जो फ्लेवर है, जो स्मेल है, उसको बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना है, इसलिए मैं धीमी आँच में ही इसको फ्राई करके इसके फ्लेवर भी जैसे रहेगा और ये भुन भी जाएगी। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे 2 लाल मिर्च डाली थी। अब मैं इस टाइम में 1 चुटकी के करीब हींग डालूंगी। मैंने एक पिंच ही यूज किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून ही मैंने डाला हुआ है, साथ में 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर और 1 टीस्पून के करीब मैंने जीरा पाउडर। इसको भी उसके साथ भून लेते हैं। फ्लेम को ध्यान रखें कम ही रखा करें। और साथ में मैंने यहाँ पे देगी मिर्च का यूज किया हुआ है। लगभग मेरा ये रेडी हो चुका है। अब ज़्यादा देर तक मुझे इसको नहीं करना है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी यूज़ करूँगी ताकि मसाले बिल्कुल भी ना गल जाए। आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी मैं यूज़ कर रही हूँ, बस 1 चम्मच के करीब मैंने पानी यूज किया है ताकि मसाला मेरे ना जले। अब ये रेडी है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर लेती हूँ। अब मैं पालक पनीर को डिसआउट करती हूँ। एक मिनट के लिए मैं इसको हाई फ्लेम में भी पका लेती हूँ। आपको कितनी थिकनेस रखनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उतना पानी यूज करें। ये हो चुका है, मैं भी फ्लेम को स्विच ऑफ करती हूँ। अब मैं इसको रिस आउट कर लेती हूँ। अब मैंने रिस आउट कर लिया। अब इसके ऊपर मैं जो तड़का मैंने किया था लहसुन की, उसको मैं इसके ऊपर ऐड करूंगी। ऊपर से मैं डालूंगी थोड़ी सी फ्रेश क्रीम। तो रेडी है मेरी पालक, रेडी है मेरी लहसुनी कॉर्न पालक पनीर। सो एक बार ज़रूर ट्राई करें ये डिश। तो आपको कैसे लगा, तो ये आपको ये डिश ट्राई करने के बाद आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसी लगी ये मेरी रेसिपी। और आपको न्यू अपडेट्स के लिए अगर चाहिए तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर रेसिपी की न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड सेफ। टेक केयर।